दोस्तों लग रहा है कि कुछ सीन हुआ है यहाँ पे। तो ये ट्रक्स बसेस सब इतने लंबे लाइन में लगे हुए हैं, तो लग रहा है कि प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है तो अभी तक पता नहीं चल पा रहा है मुझे। तो क्या हुआ है जर्ली थिंग, हेलो दोस्तों, मैं हूँ एमएन द राइडर और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो आज एक नया राइड होने जा रहा है। तो आज इस राइड में मैं जा रहा हूँ कल्चर संभालो। तो थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली मुझे दोपहर को निकलना था और बारिश की वजह से मैं जा नहीं पाया। तो फिर अभी मुझे निकलना पड़ा। तो ये रहा हमारा फेमस ब्रिज जो कामाख्याना छपा से राइट साइड के जाने के बाद ये ब्रिज आता है। ये रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बना हुआ ये। अभी 6:03 हुआ है शाम का और मुझे अभी अप्रोक्सीमेट 90 किलोमीटर जाना है। लेट से कितना टाइम लगता है, मुझे यूजुअली 2 घंटा लग जाता है कभी कभी। तो धीरे धीरे जाना पड़ेगा क्योंकि रात का टाइम है, तो सॉरी शाम का टाइम है। तो देखते हैं क्या होता है। कौन है ले यार, कौन कौन ये ट्रक छक्का पंजा खाऊ कौन। कुछ दिन पहले सिचुएशन कुछ अलग ही था यहाँ पे। मैं और एक बार यहाँ आया था सुबह शाम के टाइम, तब यहाँ का दुकान बाजार जितना भी है सब कुछ बंद था। तो अभी फिलहाल नॉर्मल लाइफ चल रहा है यहाँ पे, थैंक्स गॉड। लोगों का जो जीने का तरीका है बिल्कुल भी चेंज हो गया है इस कोरोना की वजह से। आम आदमी को अपनी डेली लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ रहा है इसके वजह से। और इसका जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमिकली भी सबके ऊपर पड़ा है। रास्ते का कंडीशन कुछ ऐसा है जैसे कि आप देख रहे हो, हालत कुछ ठीक नहीं है रास्ते का। हिमालयन है इसलिए ये आराम से जा रहा है यहाँ पे, वरना बहुत ही मुश्किल होता। गड्ढों से भरा हुआ है रास्ता, ये 100% ऑफ रोडिंग है। तो मुझे कुछ अच्छा पैसे मिलेगा और कुछ अपलोड मिलेगा, तो इसको मिला जुला के मुझे जाना पड़ेगा। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं, आपको रास्ते का हाल सुनाते हुए धीरे धीरे मंजिल की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये नज़ारा है, आहा, ये क्या हुआ भाई साहब। अरे रे रे, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे एक। तो
क्या कर सकते हैं। सड़कों को जी आ जा बिल को जी बिहार बंद बंद बोधे बाप रे स्ट्राइक पे कौन गोटे हो बोधे तरीका किस्मत खराब दिन 12 रु स्ट्राइक कर चंदी भाई कौन कहबो छोड़ो हैरान हो बाजी जाना पड़ा नहीं हो कौन सी तो कुछ तो जाके गाल को पचारो ली थारा मोबाइल थारा भाई ठीक है भाई शॉर्टकट बाट नहीं कोठी जीवा पे बारे भाई हां सब लॉक कर छंदे से पट्टा रास्ते रे छाड़ दे को पड़ गयो ए मुक्ता से दो सीधा कल्याण रोड मुक्ता बसरु एटू केतो आड़ मुक्ता बसीटा रोड रोड पड़े ना देखे पिचो पूरा ऑपरेटर सीधा सीधा जीवनी पूरा जंगल अच्छा केनाल पार ही केनाल हुडा जी बारो छ हां केनाल हुडा तुम जीव ओके ओके ठीक अछि हुडा जीव किंतु पटे जीवनी माने जो सीधा सीधा पड़ेला पड़े जंगल आड़ पड़े हां ओके रास्ता से केनाल हुडा बारी सीधे कोन को माने गेलो छ कोन रास्ता ता केनाल हां एकरा किंतु एडा पड़ियो कम तो हडा बुलाणी किंतु एडा बाटोडा ठीक को से देखले जानिबे ना नहीं ये जो बाइक किने गुरे जाऊ दुले पटे ने बुला बोले करे ए पट तो मोले पड़ी ना आर कुरकुर पास हे गला परे पड़ी देले पूरा मेनू रे पड़ी जाय तो हां बाइक भागी जाऊ दे ए बैठे गले केतरा टा हो के केनाल होडा रे हाथी बजे आ जाओ ना माटे भितर को ना तो हाथी रे ना केनाल होडा रात तिरे थी ना हां हां मार्केट रु डाणु जाए जो केनाल हुडा पड़ो तो केनाल हुडा से अच्छा ठीक है मद कांड्रो पड़ो मद कांड्रो आगे जस्ट पड़ो जना पड़ो केनाल ओके ठीक है भाई धन्यवाद तो भाई जब भी प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पे अभी एक एक्सीडेंट हो गया है तो गांव का जो आदमी लोग हैं यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि 20 लाख रुपीस और यहाँ सुबह के 12 बजे से यहाँ से पूरा स्ट्राइक हो रखा है और रास्ता बिल्कुल भी बंद है तो हमें एक दूसरा रूट लेना पड़ेगा देखते हैं क्या होता है तो लोकल लोगों से पूछ के जाना पड़ेगा एक्चुअली मालूम नहीं है रास्ता एक्चुअली कहाँ तक है से अच्छी न अच्छी आम तो जानने किसी ना कड़े जावा।
कर यार सोचे वाला मनुष्य अभी 7:30 हो रहा है शाम का और शायद मेडिकल चेक ये है एटा मेडिकल चेक जे एठो राइट नवा पे कहला ना गूगल किसी देख देख लाइट साइड कहला मार्केट रु रास्ते का ये हाल हुआ है क्योंकि हमें वो दूसरा वाला रास्ता को छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पे स्ट्राइक हो रहा था और यहाँ पे लोकल लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक केनाल के साइड में एक रास्ता है जो कि जाके एनएच में डायरेक्ट मिलता है तो मैं लग रहा है कि शायद लोग भी जा रहे हैं इस रास्ते में क्योंकि वो रास्ता पूरा बंद है तो रात के टाइम आज टेंशन होगा लग रहा है तो ये रहा आज का सीन तो हमें आज थोड़ा ज्यादा एडवेंचर करने को मिल रहा है तो कैन रास्ता बदे हो नहीं बस एटा बस एटा एटा बस मिली वाला नो प्रॉब्लम पूरा पिच्चू रास्ता तो से कोई ना लगे पिच्चू रास्ता वाली से कोई चला पूरा पिच्चू रास्ता बोले ना आओ तो ना एटा गोले बने एटा जंगल टा कोई चला डाकू पड़े ना भलो लोग दीरा थे ना କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟେନ୍ସନ୍ ଆଉ କେଉଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେମାନେ କହୁନ ଦୁଇ କଡ଼ ତ ବନ୍ଦ ନା ପୁରା ଜଳା ଦେବ ପୁରା ସକାଳ ବାଟରୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ କ'ଣ କହିବ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ରାସ୍ତା ମିଲ ଗିଆ ହେର ଅଭି ଦେଖନା ହେ କି କାହା ହମ ନିକଲତେ ହେଁ ଯାକେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି ତ ନା ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ସୋ କରୁଛି ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ସୋ କରୁଛି ଆହୁରି ଆଗ ରାସ୍ତାଟା କୋଉଟା ଆମେ ଯୋଉଟା ଯାଉଛେ କୋଉଠି ଯାଇ ବାହାରିବା ଲେଖଉଛି ତ ପୁରା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଗାଡି ତ ଆସୁଛି ଏକର ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ନହେଲେ ଏକର କାଇଁ ଆସିବ ଗାଡି କହୁନା ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ନହେଲେ ଏକର କାଇଁ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଆସିବ ଚିନ୍ତା କରୁନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଗର ତ ପୁରା ବାହାଘର ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି
ଏଇଟା ଏଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଚାଲାକ ଦେଖୁଛ। ମାରାଣ ଯଦି ଏଠି ଯିବନି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଯେ? କ'ଣ କହିଲ? ଗାଇସ୍, ଆଜ ଥୋଡ଼ା ମୁସ୍କିଲ ମେ ପଡ଼ ଗଏ ଆମେ। स्ट्राइक के वजह से रास्ते का बंद हो गया था रास्ता, तो हमें ये दूसरा रूट लेना पड़ रहा है। ये रूट पूरा ऑफ रोड है, धूल मिट्टी से भरा हुआ। ଏଇଟା ତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଗଲାଣି ଆଉ ତୋ ଗାଇଜ୍, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏନ୍ଏଚ୍ ଦିଖ ରହା ହେ ୟହାଁ ସେ, ତୋ ଫାଇନାଲି ୱି ରିଚ୍ଡ। ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗଡ୍, ବର୍ନା ଅଭି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ମେ ପଡ଼ ଜାତା। ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ବାହାରିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଠି ବାହାରିଲେ ଆସି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗଡ୍ ରାସ୍ତା ମିଳି ଗଲା ଆମେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ ରହା ହେ, ବିକଜ ଅଭି ରାସ୍ତା ନାଇଁ ମିଳତା ତ ପୁରା ରିଟର୍ନ କରନା ପଡ଼ତା ଘରକୁ। ଲୋକ ଏସା ହରକତ କ୍ୟୁ କରତେ ହେଁ ପତା ନାଇଁ। କିତନା ଲୋକ ୟହାଁ ପେ ପରେଶାନ ହୋତେ ହେଁ। तो अभी एक सुकून सा महसूस हो रहा है, क्योंकि अगर वहाँ से रास्ता नहीं मिलता मुझे तो क्या हालत होता मेरा, और क्या मुसीबत क्या सामना करना पड़ता मुझे। अभी मैं परजंग पहुँचने वाला हूँ। जब मैंने वो सिचुएशन देखा, आग वाग जल रहा था रास्ते पर और पुलिस फोर्स पूरा जमा हुआ था वहाँ पे, तब मुझे लगा कि कुछ तो हुआ है यहाँ पे। बट कॉन्स्टेंटली लोकल लोगों से बात करके मुझे रास्ता मिल गया।
और यहाँ से निकल आया, वहाँ से निकल आया मैं, तो उस बात का खुशी है मुझे, वरना फिर घर लौटना पड़ता और सुबह फिर आना पड़ता। पितरी छको तो ये है पितरी छको, यहाँ से मैं जाऊँगा तालचर का जो बॉलर छक है वहाँ पे जाऊँगा, तो ऊपर लिखा हुआ है बॉर पॉल सिस्टम तालचर 10 किलोमीटर, तो अभी 10 किलोमीटर्स मुझे कवर करना होगा। अभी टाइम हो गया है 8 PM, बाप रे बाप क्या धुआं निकल रहा है। थोड़ा किरोसिन पके की वजह चलो जी अट्टा, काला धुआं निकल रहा है साले से। लुक लुक गाइस, दिन में हो गया तो अभी मैं बोलर चौका पहुंच चुका हूं। यहाँ से मुझे राइट लेना होगा, ये है पल्लर छक्का, तालचेर पल्लर छक्का, तो राइट नाउ आई एम क्रॉसिंग तालचेर टाउन, कौन है इतने दूर चल जो ट्राफिक वाला हाथ तो देखो चुकना पड़ोने। सिग्नल अच्छे ना कौन अच्छे,
आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अभी मेरा घर पूरा पास में ही है तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, हैव अ गुड ड्रीम, गुड नाइट।